सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट? पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर ब्रैकेट वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी. इट इज द इक्वेशन ऑफ वंडरवॉल्स ऑफ स्टेट. पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का ब्रैकेट एंड वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी. ठीक है. सो इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे आगे जो मैं टॉपिक बताऊंगी उसमें. इसलिए मैंने इसका ये क्वेश्चन आपको बता दी कि वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है. सो इसको आपको ध्यान रखना है. ठीक है. आगे हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस. क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस इट मींस यहां पढ़ेंगे हम क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस. सो व्हाट इज क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ अ गैस? से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स ऑफ अ गैस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के. ठीक है. सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, पहला जो होता है वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर फर्स्ट जो होता है वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर. सेकंड होता है क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल प्रेशर. थर्ड होता है क्रिटिकल वॉल्यूम. क्रिटिकल वॉल्यूम. तो थ्री टाइप्स के क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं एक गैस की, और वो ये तीनों इनके नेम हैं. इनको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं टीसी, इसको लिखते हैं पीसी एंड इसको लिखते हैं वीसी. शॉर्ट में हम कह सकते हैं इनको ऐसे डिनोट करते हैं. ओके, इतना क्लियर है. उसके बाद व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है. सो फ्रेंड्स देखिएगा, आगे मैंने थ्योरी लिखी है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होते हैं. सो बाय थ्योरी ही आप समझ पाएंगे. सो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है टीसी. टीसी मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर. व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? तो क्रिटिकल टेम्परेचर की मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखा है. अगर मैं प्रॉपर इंग्लिश वे में लिखती हूँ या प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में लिखती हूँ तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके एक अच्छी सी लैंग्वेज में लिखा है. ये कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो किसी गैस का टीसी इट मींस क्रिटिकल टेम्परेचर वह हाई टेम्परेचर है. अगर हम किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वह हाई टेम्परेचर है जिसके नीचे के टेम्परेचर पर गैस केवल प्रेशर से ही लिक्विड फॉर्म में की जा सकती है. इट मींस अगर हमने किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर समथिंग कुछ भी है, सपोज 84 डिग्री है, सो उससे अगर हम नीचे के टेम्परेचर पर जाएंगे, 84 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर जाएंगे तो हम उस गैस को प्रेशर दाब की मदद से, प्रेशर मतलब दाब की मदद से हम उसको लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं उस गैस को. लेकिन अगर उससे ऊपर के टेम्परेचर में जाएंगे, हमने लाइट किया है कि 84 डिग्री उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है किसी गैस का, तो अगर हम उससे ऊपर के टेम्परेचर पर जाएंगे यानी कि 85-86, तो प्रेशर से क्या होगा, गैस लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होगा. प्रेशर से यानी कि दाब से अब गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होगी. ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया. सेकंड आपका टॉपिक है क्रिटिकल प्रेशर. इट मींस व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? तो क्रिटिकल प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पीसी से. तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है पीसी. सो पीसी तो इसका है अब ठीक है, गैसेस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में करने के लिए नेसेसरी प्रेशर को ही पीसी कहते हैं. यानी कि क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है हम किसी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में करना है. हमें कोई क्रिटिकल टेम्परेचर है गैस का, उसी उसमें हमें
उस प्रेशर की, उतने प्रेशर की ज़रूरत है जिसमें वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। जितने प्रेशर की ज़रूरत होगी वो हमारा नेसेसरी प्रेशर ही हमारा क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। सेकंड, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है, बट मैंने अभी अपने लैंग्वेज में बताया है कि आप समझने के लिए कि क्या करें, प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है, वो भी कर सकते हैं आप। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक वीसी। वीसी मींस क्या होता है? वीसी मींस होता है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम। तो व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम ऑन द टीसी एंड पीसी? इट मींस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पर 1 ग्राम गैस का जितना वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर हम 1 ग्राम गैस लें और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रिटिकल प्रेशर पर वॉल्यूम देखें, तो वो जितना वॉल्यूम होगा वो आपका क्या कहलाएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम। सो आई थिंक आपको ये 3 टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर एंड व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। इतना क्लियर है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता है, वो ये वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट इन टर्म ऑफ ए एंड बी। कि क्रिटिकल कॉन्स्टेंट कौन कौन से थे हमारे? क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर। उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के टर्म्स में हमें उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक डेरिवेशन होता है। फिजिक्स भी इनकम्प्लीट है विदाउट डेरिवेशंस, तो इसका डेरिवेशन होता है, तो मैं इसका डेरिवेशन एक्सप्लेन करती हूँ आपको, इसका डेरिवेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट बताई थी, सो मैं यहाँ पर फिर से वही लिख दे रही हूँ, उसका ही यूज़ होगा। इसलिए मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में वो वाली आपको इक्वेशन बताई थी, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर डी। ये थी हमारी द इक्वेशन ऑफ वंडरवॉल्स ऑफ स्टेट, स्टेट फॉर्म में। इसका ही यूज़ कर हमें क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये इक्वेशन हमारी 1 है। सो इस इक्वेशन से मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालती हूँ, पी की वैल्यू निकालती हूँ। सो पी की वैल्यू क्या आएगी? पी इक्वल्स टू आर टी, ये v माइनस बी मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, और ये वाला प्लस में है तो ये जाएगा माइनस में, a अपॉन v स्क्वायर। यहाँ से मैंने फाइंड करी p की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ ये इक्वेशन है हमारी सेकंड। उसके बाद मैं इक्वेशन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ विद रेस्पेक्ट टू v। इक्वेशन सेकंड का मैं डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ विद रेस्पेक्ट टू v। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छा होता है कॉन्सेप्ट उसका, डिफ्रेंसिएशन का। तो डिफ्रेंसिएशन क्लियर हो गया होगा क्योंकि वो मैथ्स में पढ़ते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन करना है हमें इस इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू v, और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद उसको 0 के इक्वल रख देना है। सो देखिएगा कैसे। इट मीन्स हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि dp ओवर dv, इसका डिफ्रेंसिएशन करके हमें 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है। करते हैं, क्या है हमारा, ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? नीचे वाली चीज़ का होल स्क्वायर और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़, ऊपर v माइनस बी, और ऊपर वाली चीज़ का मैं डिफरेंशिएशन करूँगी तो r और t जो है वो दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। माइनस नीचे वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन, माइनस आर टी ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़, नीचे वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन, तो वी के रेस्पेक्ट में करेंगे, वी का 1, बी इज़ कांस्टेंट, तो बी का 0, तो वो 1। तो ये आ गया इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, आर टी ओवर वी माइनस बी का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी है, 2a प्लस के वी क्यू। कैसे? देखिए वही करेंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे, v की पावर माइनस 2 बनाएंगे, और फिर पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है, तो v की पावर 3 एंड जो आगे आई है वो 2 आई है, और ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस माइनस के प्लस हो गए, तो ये डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। इक्वल्स टू हमें 0 लेकर चलना है। अब मैं यहाँ से आर टी अपॉन वी माइनस बी की वैल्यू निकालती हूँ, तो ये देखिए इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 है, यहाँ पर सपोज माइनस चल रहा है, और वी की पावर 3 है, साथ में ये v माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो मैंने एक v माइनस बी यहाँ भेज दिया है,
उसके बाद मैंने माइनस से माइनस कट कर दिया है। देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से, आर टी ओवर वी माइनस बी इक्वल्स टू यहाँ बचा 2a अपॉन वी क्यूब वी माइनस बी। फिजिक्स में डिफरेंट डेरिवेशंस को बहुत ध्यान से देखना होता है, कैलकुलेशन होती है उसमें, मैथ्स के स्टूडेंट तो कर लेते हैं, थोड़ा सा बाकी को प्रॉब्लम्स होती है जो बायो से किया होता है, जिन्होंने बायो से जो कर रहे होते हैं उनको दिक्कत होती है। सो यहाँ से देखिए मुझे आर टी अपॉन वी माइनस बी की वैल्यू मिल गई है ये, और इस इक्वेशन को मैं मान लूँगी थर्ड। इतना क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन थर्ड आई है इसका हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आर टी अपॉन वी माइनस बी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगा सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन थर्ड की वैल्यू लगा सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन टू, टू इक्वेशन में हम पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर टू के आर टी अपॉन वी माइनस बी के बदले हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो p इक्वल्स टू के हो जाएगा 2a, ये वाली वैल्यू रख रही हूँ मैं आर टी माइनस वी माइनस बी के बदले, v माइनस बी ओवर वी क्यू एंड माइनस ए वी स्क्वायर एज इट इज है, माइनस a अपॉन वी स्क्वायर एज इट इज है। सो ये जो इक्वेशन बनकर आई मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगी फोर। ये देखिएगा इस इक्वेशन को मैं नेम दूंगी फोर। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फोर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो इक्वेशन बनकर आई है हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वी। तो मैं यहाँ अगेन लिख रही हूँ इक्वेशन फोर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वी, वी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सेम वही होगा, क्या होगा डी पी ओवर डी वी, और इसको भी इक्वल्स टू में हम जीरो ही रखेंगे, इसके इक्वल्स टू में भी जीरो। तो डी पी ओवर डी वी कितना है ये, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा टू ए अपॉन वी क्यूब माइनस सिक्स ए वी माइनस बी ओवर वी की पावर फोर प्लस टू ए अपॉन वी क्यूब इक्वल्स टू जीरो। देखिएगा फ्रेंड्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा। और ये माइनस ए वी स्क्वायर का मैंने अभी आपको ऊपर करना सिखाया है, प्लस टू ए वी क्यूब आएगा, तो वो डिफरेंशिएशन करके आपका आंसर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टू ए वी क्यूब है, यहाँ पर भी टू ए वी क्यूब है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने पर कितने हो जाएंगे, फोर ए अपॉन वी क्यूब माइनस सिक्स ए वी माइनस बी अपॉन वी की पावर फोर एज इट इज एंड इक्वल्स टू में ज़ीरो, इक्वल्स टू में ज़ीरो। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, मुझे नेक्स्ट पेज पे बताना पड़ रहा है, वो कंप्लीट हो गया पेज। तो क्या करा, 4a अपॉन वी क्यूब था वो प्लस माइनस में था ना, तो वो इक्वल्स टू पे उधर ले गई, जीरो चल रहा था, तो ये प्लस का हो गया, 6a अपॉन वी की पावर 4 वी माइनस बी यहाँ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए दोनों में टू टू टाइम्स जा रहा है, टू टू ज़ा 4a, और इधर इधर v से v कट जाएगा, एक v बचेगा, टू थ्री ज़ा 6a अपॉन वी वी माइनस बी, मैं इस v को इधर भेज दूंगी, तो हो जाएगा 2AB इक्वल्स टू के 3AB माइनस बी, और देखिएगा फ्रेंड्स A से AB कैंसिल हो रहा है, तो ये बचेगा 2B इक्वल्स टू 3B माइनस बी, 2B इक्वल्स टू 3B माइनस बी। सो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो V है वो इक्वल्स टू VC, यानी कि यहाँ जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम की इक्वल है, यहाँ जो P होगा वो इक्वल होगा क्रिटिकल PC, ये इट मीन्स क्रिटिकल प्रेशर के इक्वल होगा नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी जगह ये रख देना है, V की जगह VC एंड P की जगह PC। सो फ्रेंड्स इसको मैंने इक्वेशन फाइव मान लिया, तो मैं यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकती हूँ, आपको इजीली दिख रहा है B के टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ B, B के टर्म्स में मैं V की वैल्यू निकालूंगी, 2V इक्वल्स टू के अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगी 3V माइनस 3B, 2V माइनस 3B इक्वल्स टू के माइनस 3B, माइनस वी इक्वल्स टू के माइनस 3B एंड माइनस से माइनस करके V की वैल्यू कितनी आ गई 3B। तो ये आ गई हमारी V की वैल्यू जो कि करेक्ट है इन द टर्म्स ऑफ V। इसी तरह हम V या हम कह सकते हैं VC की वैल्यू आ गई,
इसी तरह हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी सी की। तो पी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, इक्वेशन फोर में जाना होगा। किस इक्वेशन में जाना होगा, फोर में। सो यहाँ मैं फोर इक्वेशन लिखी हुई नहीं है तो मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ। इक्वेशन फोर थी हमारी पी इक्वल्स टू के टू ए वी माइनस बी ओवर बी क्यूब माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। आप देख लेना इक्वेशन फोर यही थी। तो क्या करेंगे अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन फोर में हम वी की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू भी आ जाएगी, या कह सकते हैं हम पी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो वी की वैल्यू थ्री बी है तो रखते हैं टू ए वी की जगह थ्री बी माइनस बी माइनस ए अपॉन यहाँ पर थ्री बी का होल स्क्वायर, और नीचे भी कितना आ जाएगा आपका थ्री बी का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं पी सी इक्वल्स टू के टू थ्री जा सिक्स ए बी माइनस टू ए बी एंड माइनस ए यहाँ पर है ओवर में थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री जा ट्वेंटी सेवन। थ्री का क्यूब लिख रही हूँ मैं, थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, बी का क्यूब बी माइनस है थ्री थ्री जा नाइन बी स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिएगा थ्री ए थ्री में से टू ए बी जाएंगे तो आपके बचेंगे, सिक्स में से टू जाएंगे तो आपके बचेंगे फोर ए बी माइनस ए नीचे ट्वेंटी सेवन बी क्यूब एंड यहाँ पर है नाइन बी स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, एलसीएम लेने पर आएगा ट्वेंटी सेवन बी क्यूब, एलसीएम ले ली मैंने ट्वेंटी सेवन बी क्यूब, ऊपर आएगा फोर ए बी माइनस यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर है नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन, तो थ्री ए एंड ए भी कम है और बी भी कम है तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री ए बी, तो फोर ए बी में से थ्री ए बी गए तो कितने बच्चे वन ए बी, नीचे कितना चल रहा है ट्वेंटी सेवन बी क्यूब। सो देखिएगा बी से यहाँ पर बी कैंसिल हो जाएंगे, टू बी बचेंगे नीचे, तो ये आएगा आपका ए अपॉन ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर, ए अपॉन ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तो पी सी की वैल्यू जो आई है वो आई है ए अपॉन ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर। सो हमारे पास ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्रिटिकल वी सी की वैल्यू आ गई, यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम की, और हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम आ गई। अब हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर की वॉल्यूम और बची है, तो हम वो और फाइंड कर लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू। सो हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन थर्ड थ्री में जाएंगे। इक्वेशन थ्री थी हमारी आर टी अपॉन वी माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और थर्ड इक्वेशन थी हमारी आर टी अपॉन वी माइनस बी टू ए वी माइनस बी अपॉन वी क्यू। ये थी हमारी इक्वेशन थर्ड, और इस इक्वेशन थर्ड में हम वी की प्लेस पर थ्री भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, वी की प्लेस पर थ्री भी। सो जब थ्री भी लगाएंगे तो आप फाइंड करना इसे, ये आएगा आपका टेम्परेचर एट ए अपॉन ट्वेंटी सेवन बी आर, ये आएगा आपका निकल कर टी सी। इसको सॉल्व करना, आपका यही आंसर आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कितना समझ में आया। इसका जो डेरिवेशन था इससे रिलेटेड वो आ जाता है, अच्छा खासा था, लेंदी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड शेयर लाइक इन कमेंट माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स।